अगले हफ्ते तीन बड़े शोज में तीन बड़े धमाके होने वाले हैं। ये तीन बड़े शोज हैं बैरिस्टर बाबू, नमक, इश्क का और मोल की। तो चलिए शुरू करते हैं, शोज के बारे में बताते हैं कि क्या कुछ खास और क्या कुछ धमाकेदार होने वाला है आने वाले हफ्ते में। सबसे पहले बात करेंगे नमक इश्क का। नमक इश्क का में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। आप देख रहे हैं कि किसी तरीके से भी युग चाहता है कि कहानी उनकी फैमिली से दूर चली जाए। कहानी की मजबूरी अभी तक युग को नहीं मालूम है। ऐसे में युग जो है कहानी बहुत सारे पैसे देगा और कहेगा कि अब तुम इस फैमिली से दूर जाओ, क्योंकि भाभी माँ जो है उनको मैं इस स्थिति में नहीं देख सकता हूं। हालांकि अभी तक युग को यह बात नहीं मालूम है कि रूपा को सब कुछ मालूम चल चुका है। अब आप देखेंगे कि युग की शादी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि इसी शादी में जो युग है वो सभी के सामने चमचम की मांग भर देगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी माँ की जिंदगी बचाने के लिए। वेल, अब बात करते हैं हम मोलकी की। मोलकी में आपने देखा कि वैभव का सच आ चुका है सामने। दो दिन का वक्त मिला है, दो दिन में ही वैभव और प्रियसी की शादी करनी है। लेकिन ये शादी इतनी आसान नहीं होगी। जहाँ इस शादी में आप बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट्स देखने वाले हैं पूर्वी और वीरेंद्र प्रताप सिंह के बीच में, दोनों के बीच का थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा, तो वहीं अंजलि जो है वो साजिशें रचती रहेंगी। अंजलि किसी भी हाल में प्रियसी और वैभव की शादी नहीं होने देना चाहती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होता है कि कौन सा बड़ा ट्विस्ट आता है। अब बात करते हैं बैरिस्टर बाबू की। बैरिस्टर बाबू में संपूर्ण अपना खेल तो खेल ही रही है, लेकिन आने वाले हफ्ते में आप देखेंगे कि मामी जो है वो संपूर्ण को बॉन्दिता के बिल्कुल खिलाफ कर देगी। बॉन्दिता के लिए जो प्यार अभी तक संपूर्ण के दिल में था, वो प्यार के बदले नफरत मामी भर देंगी और उसे ये बात का एहसास दिला देगी कि बॉन्दिता जब तक इस घर में है, जब तक सबकी प्यारी बनी हुई है, तब तक उसकी यहां नहीं गल सकती है। अब देखना यह है कि संपूर्णा बॉन्दिता के लिए क्या करती है। क्या सचमुच अपने सुख के लिए संपूर्णा बॉन्दिता को भी नहीं छोड़ी? वेल, जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज।